नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिस पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं, किसी को अपना बना सकते हैं, अपना खोया हुआ प्यार वापस पा सकते हैं। एक ऐसा ही आसान मंत्र, एक ऐसा ही आसान वशीकरण का टोटका आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपको अगर आप ये करते हैं, अगर आप इस मंत्र को, इस वशीकरण को अपनाते हैं, तो आपका जो कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा और वो व्यक्ति जिसे आप प्रेम करते हैं वो आपके वश में हो जाएगा। तो आइए बताती हूँ कि वो विधि क्या है, लेकिन उससे पहले उस सामग्री के बारे में मैं आपको बता देती हूँ जो इस वशीकरण में हमें आवश्यकता होगी। और वो सामग्री मात्र एक कागज है। जी हाँ, मात्र एक कागज की मदद से किस तरह आप किसी को वश में कर सकते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी। हमें चाहिए एक कागज और एक मार्कर। जी हाँ, इस कागज और इस मार्कर की मदद से आप किसी को किस तरह वश में कर सकते हैं, किस तरह एक मंत्र का, एक सिद्ध मंत्र का उच्चारण जब आप करेंगे तो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। तो आइए अब मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। आपको जो प्लेन कागज लेना है उस पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। उसके बाद इस कागज को फोल्ड करना है। दर्शकों, आपको कागज छोटा ही लेना है, क्योंकि ये कागज जो है हमें बाद में जलाना है, ताकि इसकी राख ज्यादा ना हो, इसलिए कागज को छोटा ही लीजिएगा, ज्यादा बड़ा कागज लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह इस कागज को फोल्ड कर लेंगे, इसे अपने हाथ में रखेंगे और जो मंत्र मैं अब आपको बताने जा रही हूँ उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। जब उस मंत्र का आप 21 बार उच्चारण करेंगे तो जो व्यक्ति हैं जिन्हें आप अपने वश में करना चाहते हैं वो पूर्ण तरह आपके वश में हो जाएंगे, पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ आपके ही होकर रहेंगे। तो आइए दर्शकों, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो मंत्र क्या है, वो